हो रहा होता है जब हमें वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल हम बनाते हैं, तो उसमें बिहाइंड द सीन हो क्या रहा होता है, कैसे वो वेरिएबल बन जाता है, और कंप्यूटर में वो वेरिएबल कैसे सेव हो रहा होता है, अंदर क्या कुछ चल रहा होता है। इस फोल्डर का नाम मैं मेमोरी एलोकेशन रखने वाला था, लेकिन मैंने मेमोरी एलोकेशन उसका नाम नहीं रखा, क्योंकि मैं जो बात बताने वाला हूँ वो कम्प्लीटली फैक्ट पे बेस नहीं करती है। ठीक है, ये मैं आपको थियोरिटिकल बात बता रहा हूँ, और आपको समझ में भी आ जाएगा जब मैं अल्टीमेटली, जब ये लेक्चर के आखिर में ना आपको मैं बता भी दूंगा कि वाई ये फैक्ट पे क्यों नहीं बेस कर रही है, तो वो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अच्छा, ये जावास्क्रिप्ट की बात नहीं हो रही है अभी, इन जनरल बात हो रही है अभी, ये जो मैं बात अब करने वाला हूँ। अच्छा, मिसाल के तौर पर मैंने बनाया लेट माई नम इक्वल्स टू 5। ठीक है, मैंने ये एक बात लिख दी, उसको मैं स्क्रिप्ट के टाइम में भी कर देता हूँ। अच्छा, आमतौर पे ना ये वाली बात पढ़ाई नहीं जाती है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के कोर्सेज में या प्रोग्रामिंग के कोर्सेज में आमतौर पे ये बात नहीं डिस्कस की जाती है। ये एडवांस लेवल पे शायद थोड़ा सा करते हैं डिस्कस, इवन हार्वर्ड MIT वगैरह के भी मैंने लेक्चर्स देखे हैं, उसमें भी ये बात डिस्कस नहीं की जाती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये बात आपको पता चल जाए, ये बात अगर डिस्कस कर ली जाए इस पॉइंट पे, तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की नेचर को समझने में हेल्प मिलती है, आपको प्रोग्रामिंग को समझने में आसानी होती है कि अच्छा यार बिहाइंड द सीन ये चल रहा है इसके ना। तो जब भी आप कुछ कोड लिख रहे होते हैं तो आपके जहन में एक पस मंज़र होता है उसका कि अच्छा यार मैं ये लिखूंगा तो पीछे क्या हो रहा होगा। अच्छा, तो मैंने ये लिखा है यहाँ पे, अब ये जो 5 है, ये पहली बात तो ये जा कहाँ रहा है, वेरिएबल तो बना है ना, तो वेरिएबल कहीं ना कहीं स्पेस तो लेता होगा, तो ये कहाँ स्पेस लेता है, क्या ख्याल है आप लोगों का? ये मेमोरी में लेता है स्पेस। ठीक है, तो ये तो बात ऑब्वियस है, आप सब लोगों को पता भी है कि जितने भी वेरिएबल्स बने हुए होते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर, वो जगह कहाँ ले रहे होते हैं, रैम मेमोरी के अंदर वो जगह ले रहे होते हैं। अच्छा, यही वजह है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर की जब आप CD खरीदते हैं, अब CD का तो खैर दौर अब खत्म हो गया, जब आप कहीं से डाउनलोड करने जाते हो तो वहाँ लिखा हुआ होता है मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, तो उसमें उन्होंने बताया हुआ होता है कि यार इतने GB रैम आपके पास इसमें होनी चाहिए आपके PC में, जब ये आपके पास चलेगा। तो उसका मतलब क्या होता है कि उन्होंने इतने सारे वेरिएबल्स बनाए हुए, मिसाल के तौर पर 512 MB रैम किसी ने बोला, या विंडोज़ की अगर हम बात करें, विंडोज़ डाउनलोड करेंगे ना जब आप, तो वो कहते हैं 1 GB मिनिमम रैम होनी चाहिए, उससे कम पर ही इंस्टॉल ही नहीं होगा, मना कर देगा। ठीक है, फोटोशॉप में भी गालबन 2 GB या 2 GB के करीब कुछ है कि भाई, तो उन्होंने इतने सारे वेरिएबल्स बनाए हुए हैं कि वो 2 GB रैम कंज्यूम करते हैं, अगर उतना रैम उसको नहीं मिलेगा फ्री तो वो क्रैश कर जाएगा, उसको जगह नहीं मिलेगी मजीद वेरिएबल बनाने की, वो क्रैश कर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने लिखा हुआ होता है। अब सवाल ये है कि यार कि मैं 2 GB रैम अगर मेरे पास है तो मैं कितने वेरिएबल ऐसे बनाऊंगा तो वो फुल हो जाएगा, ये एक सवाल है। उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एक वेरिएबल मेमोरी में जगह कितनी ले रहा है। ठीक है, और इन द फर्स्ट प्लेस क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर तो समझता है 0 1, बाइनरी समझता है, हम ये बात बचपन से सुनते हुए आए हैं कि कंप्यूटर बाइनरी समझता है, लेकिन ये बात भी एक कहानी से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि ना हमें किसी ने बताया कि कंप्यूटर के अंदर वो बाइन, मतलब ये तो मैंने लिखा है 5, ये बाइनरी में कैसे बनेगा, कंप्यूटर में कैसे जाएगा। ठीक है, तो अभी तक जो हम सुनते हुए आए हैं कि कंप्यूटर जो है वो 0 1 की लैंग्वेज समझता है, वो हम बतौर एक कहानी सुनते हुए आए हैं, उसका कोई एविडेंस हमने आज तक देखा नहीं है। मोस्ट प्रॉबली हो सकता है किसी को डिटेल पता हो, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का बैठा हुआ है यहाँ पर तो उनको पता होती है डिटेल के अंदर क्या चल रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का है यहाँ पर? अच्छा, बाय द वे जब मैं बताना शुरू करता हूँ ना तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बंदे ना उछल जाते हैं कि सर ये क्या बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन फिर थोड़ी देर में कहते हैं नहीं हाँ सर ऐसे ही होता है। तो मैं एक ड्राइंग ऐप ओपन कर लेता हूँ, भैया वो ड्राइंग ऐप में ना आपको बना के दिखाता हूँ ताकि ज़्यादा सही से समझ में आए। तो हम बात करते हैं, बिल्कुल पीछे चले जाते हैं, शुरू से कहानी को समझते हैं कि असल में हुआ क्या था। हमें अगर फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना होता है तो हमें क्या समझना पड़ता है, पास्ट को समझना पड़ता है,
जितनी भी बुक्स होती हैं हिस्ट्री की बुक्स होती हैं या किसी भी टॉपिक को आप पढ़ेंगे ना तो थोड़ी हिस्ट्री उसकी डिस्कस हुई भी होती है। उसका मेन रीज़न यही होता है कि अगर आप पास को नहीं जानते तो आप फ्यूचर उसका प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये कहाँ जाने वाला है, ठीक है। इसी तरह जो मशीन लर्निंग भी होती है वो इसी तरह होती है कि अगर आपको प्रिडिक्शन करनी है तो पास्ट का डेटा चाहिए होता है आपको, ठीक है। तो एक ह्यूमन ब्रेन को भी मैं ये समझता हूँ कि पास्ट का डेटा अगर दिया जाए तो उसको काफ़ी आसानी होती है फ्यूचर में उस चीज़ को लेके। तो हम बिल्कुल पीछे चले जाते हैं जब कंप्यूटर नहीं बने थे। अच्छा, तो क्या था उस वक्त कंप्यूटर नहीं बने थे? हम उस पॉइंट पे चले जाते हैं जब मैनकाइंड ने ये बात डिस्कवर की कि मैटर दो तरह के होते हैं। जाहिर है साइंस तो बहुत पुरानी चीज़ है, साइंस इस चीज़ का अपने इर्द गिर्द के चीज़ों को आप देखें, ऑब्जर्व करें, दैट इज़ साइंस, ठीक है। तो मैनकाइंड के हर दौर में किसी ना किसी लेवल की साइंस मौजूद रही है। उसका नाम साइंस नहीं होता होगा, मे बी उसको बाद में नाम दिया होगा, लेकिन किसी ना किसी लेवल पे साइंस तो मौजूद थी। तो किसी पॉइंट पे मैनकाइंड की हिस्ट्री में किसी पॉइंट पे इंसानों ने ये चीज़ दरियाफ्त कर ली, ये चीज़ डिस्कवर कर ली कि जो मैटर होता है, जो चीज़ें होती हैं, उस दो तरह की होती हैं वो। एक होता है इंसुलेटर, एक होता है कंडक्टर। इंसुलेटर वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता, जैसा कि प्लास्टिक, लकड़ी वगैरह। और कंडक्टर वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, जैसा कि गोल्ड, आयरन और कॉपर वगैरह। तो ये वो लोग ये बात जानते थे। अच्छा, तो फिर साइंस ने थोड़ी तरक्की की और साइंटिस्ट ने एक तीसरे तरह का मटेरियल दरियाफ्त किया। अच्छा, उस तीसरे तरह के मटेरियल की ख़ास बात ये थी कि वो बाई डिफ़ॉल्ट ना कंडक्टर था और ना वो इंसुलेटर था, ठीक है। लेकिन हम अपनी मर्ज़ी से जब चाहे उसको कंडक्टर बना दें और जब चाहे उसको इंसुलेटर बना दें। अच्छा, इस तरह के मटेरियल को क्या नाम दिया गया? सेमीकंडक्टर, ठीक है। अच्छा, इसी पॉइंट पे ना इलेक्ट्रॉनिक्स वाले थोड़े ऐसे हो जाते हैं कि सर सेमीकंडक्टर ये तो नहीं होता जो आप कह रहे हैं। सेमीकंडक्टर यही होता है क्या कि अपनी मर्ज़ी से हम उसको कंडक्टर या इंसुलेटर बना लें? ये तो नहीं होता। लेकिन आप ट्रांजिस्टर की मिसाल लें, एक तरफ से करंट देते हैं तो वो बंद कर देता है, इंसुलेटर हो जाता है, और दूसरी तरफ से करंट देते हैं तो वो कंडक्टर हो जाता है। तो यही तो है सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो अपनी मर्ज़ी से हम क्या करते? अच्छा, इस पॉइंट पे आके जदीद कंप्यूटर की बुनियाद पड़ी। यही वो ट्रांजिस्टर है जिससे प्रोसेसर बना हुआ है। प्रोसेसर में मिलियंस एंड मिलियंस की तादाद में यही ट्रांजिस्टर मौजूद है जो अपने आप को इंसुलेटर और कंडक्टर बना रहे हैं, और यही 01 है, ठीक है। तो एक ऐसे तरह का मटेरियल दरियाफ्त हो गया। अभी कंप्यूटर बना नहीं है, अभी आप कंप्यूटर अपनी आंखों के सामने बनता हुआ देख रहे हैं। अभी तो ये सिर्फ ऐसा मटेरियल दरियाफ्त हुआ है जो मैं अपनी मर्जी से उसको कभी कंडक्टर या कभी इंसुलेटर बना सकता हूँ। अच्छा, तो क्या कहते हैं, अब मेरे पास एक ऐसी कैपेबिलिटी आ गई है, जैसे सोने की बिस्किट होती है ना, इमेजिन करो मेरे पास सेमीकंडक्टर की बिस्किट्स हैं 6, 7, 8। अच्छा, तो एक बिस्किट जो है उसमें एक वक्त में या तो वो क्या होगी, कंडक्टर होगी या तो इंसुलेटर होगी। तो मतलब ये एक डेटा स्टोर हो रहा है इसमें एक ये डेटा स्टोर हो रहा है। अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि यार इसको ना एज अ डेटा स्टोरेज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मैंने अपने बेडरूम में ना या अपने ड्राइंग रूम में उसको लगा दिया लाइन से 6-7। एक के नीचे मैंने लिख दिया कि मेरे पास फ्यूल रिजर्व में है या नहीं है, ठीक है। आमतौर पर जिन लोगों के पास गाड़ी होती है वो थोड़ा फ्यूल रिजर्व में रखते हैं घर पे, ताकि एक्सीडेंटली अगर कभी ख़त्म हो जाए तो उसको यूज़ कर लें। लेकिन बाई द वे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, 0.5 लीटर या 1 लीटर से ज़्यादा स्टोर नहीं करना चाहिए। और अगर उससे ज़्यादा स्टोर करना है तो पेट्रोल के कंटेनर होते हैं लोहे के, ठीक है। प्लास्टिक की बॉटल में पेट्रोल स्टोर करना बहुत ख़तरनाक हो सकता है, ठीक है, उससे आग भी लग सकती है। तो खैर, अगर 0.5 लीटर या 1 लीटर से ज़्यादा स्टोर करना है तो मेक श्योर करें कि कंटेनर अच्छा। वेल, तो मैंने ये लगा दिया फ्लैग, मैंने कहा पहला वाला बिस्किट ना, अगर ये अगर कंडक्टर है तो इसका मतलब है, और अगर इंसुलेटर है इसका मतलब, अच्छा ये 01 है भाई। तब ये जो कंडक्टर इंसुलेटर है ना, इसको मुख्तलिफ साइंस की मुख्तलिफ ब्रांचेस में इसके मुख्तलिफ नाम है। ये जो कंडक्टर और इंसुलेटर, ये तो मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़ुबान में बात कर रहा हूँ,
इसमें कहते हैं कंडक्टर इंसुलेटर, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में कहते हैं 01। अच्छा, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की एक दूसरी नीश है, उसमें उसको पॉजिटिव नेगेटिव कहते हैं या हाई लो कहते हैं, ये एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम है, अब और कीजिएगा। तो 01 हाई लो पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, केमिस्ट्री वाले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नाम से जानते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, या प्लस माइनस भी बोल देते हैं, जो अप्लाइड वाले हैं बिल्कुल, जो डिवाइसेस बनाते हैं वो प्लस माइनस के नाम से जानते हैं। तो इसके मुख्तलिफ नाम हैं, चीज़ एक ही है ये बिहाइंड द सीन, इसके मुख्तलिफ नाम हैं, तो नामों से कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के हम लोग हैं सारे, यहाँ पे हम कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, तो हम वो वाला नाम इस्तेमाल करेंगे जो इस फील्ड में इस्तेमाल होता है, यानी कि 01। तो मैंने कहा कि अगर ये 0 है ना, इसका मतलब है मेरे पास फ्यूल नहीं है पीछे, और अगर 1 है तो इसका मतलब है। तो मैंने ये डेटा स्टोर कर दिया, और मैंने एक सेटिंग भी बना ली कि अगर मैं फ्यूल रिजर्व वाला यूज़ कर लेता हूँ तो मैं उसको ऑफ़ कर दूँगा आगे, यानी डेटा को एंटर कर दूँगा, एंट्री कर दूँगा यहाँ। अच्छा, तो अब मेरे पास 7 बिस्किट थी या 8 थी, उसमें अलग अलग चीज़ों के बारे में मैंने डेटा स्टोर कर दिया। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा काम हो गया। अच्छा, एक चीज़ कौन मुझे बताएगा कि ये जो मैं जिक्र कर रहा हूँ कि अपनी मर्ज़ी से मैं उसको जो ऑन ऑफ़ कर रहा हूँ, तो वो कैसे कर रहा हूँ मैं क्या ऐसा तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ? उसको मैं इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूँ, ठीक है। उसको कंडक्टर या इंसुलेटर बने रहने के लिए कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही हटेगी ना उसकी, ना वो कंडक्टर रहेगा ना वो इंसुलेटर रहेगा, वो सेमीकंडक्टर बन जाएगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी डेफिनेशन पढ़ाई जाती है कि वो दोनों में से कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उसको कंटिन्यूसली कंडक्टर बने रहने के लिए, या कंटिन्यूसली उसको 0 बने रहने के लिए या 1 बने रहने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूसली उसको चाहिए। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी हटेगी वो अपनी स्टेट को खो देगा। तो वेरिएबल बिहाइंड द सीन, तो ये चीज़ हम देख रहे हैं। अच्छा, तो अब यार इमेजिन करो, मेरे पास एक कैपेबिलिटी तो आ गई है डेटा को स्टोर करने की, लेकिन उसमें मैं 0 और 1 के अलावा तो कुछ स्टोर कर ही नहीं सकता। अब मैं क्या करूं? तो इस पॉइंट पे आके जो उस दौर के मैथमेटिशियंस थे, उनको ये टास्क दिया गया कि आप एक ऐसा नंबर सिस्टम डिज़ाइन करें जिसमें 2 ही यूनिक सिंबल्स होते हों, जिसमें क्या होते हों, सिर्फ 2 यूनिक सिंबल होते हैं। हम जो आम जिंदगी में जो गिनती इस्तेमाल करते हैं, इसमें कितने यूनिक सिंबल्स हैं? 10 यूनिक सिंबल्स हैं। इसी वजह से इसको डेसिमल कहते हैं, डेसी का मतलब होता है 10, ठीक है। तो 10 यूनिक सिंबल होने की वजह से इसको डेसिमल कहते हैं, 0 से लेकर 9 तक ये 10 यूनिक सिंबल है, ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि 0 से लेकर 9 तक चलती है गिनती, उसके बाद यूनिक सिंबल ख़त्म हो गया तो रिपीट हो जाते हैं, मतलब 0, 1, 2, 3 पे ख़त्म हुआ जाके तो फिर 1, 0 शुरू हो गया, सही है, 1, 1, 1, 2, 1, 3, फिर वो ख़त्म हुआ तो वो 2, 1, 2, 2, 2, 3 हो गया। तो वो असल में सिंबल जिस पॉइंट पे ख़त्म होते हैं वहाँ फिर रिपीट होना शुरू हो जाता है, और इस तरह आप इसको जितना मर्ज़ी आगे ले जाओ कोई वो इशू नहीं है, ठीक है। तो इमेजिन करो अगर ये सिंबल हो जाते हैं 5, 10 सिंबल है ना यूनिक, 0 से 4 तक होता है, 5 होता तो फिर क्या होता, 0, 1, 2, 3, 4, अब यहाँ ख़त्म हो गए, अब 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, अब यहाँ फिर 4 ख़त्म हो गया, 2, 0 हो गया, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, अब ख़त्म हो गया, फिर 3, 1 शुरू हो जाएगा, तो ये रिपीट होता रहेगा। तो सिंबल कम ज़्यादा होने से फ़र्क नहीं पड़ता, हमने ये सीखा। तो उस वक्त के मैथमेटिशियंस ने यही चीज़ डिवाइस की, उन्होंने बोला यार आपके पास 10 सिंबल होते हैं ना यूनिक, सिंबल को कम करके 2 कर दो, ख़त्म हो गई बात। अब इमेजिन करो 2 ही सिंबल हैं, अब क्या होगा, 0, 0 पहले, 1 अब इधर ख़त्म हो गए, अब 0, 1 पे जाके ख़त्म हो गया, फिर 1, 0, फिर 1, 1 यहाँ फिर ख़त्म हो गया, फिर मतलब उसको रिपीट करते जाएंगे। अभी हम उसका एक आसान सा तरीका भी देखते हैं। तो हमने ये पता लगाया कि उस वक्त के मैथमेटिशियंस को ये टास्क दिया गया कि भाई एक ऐसा नंबर सिस्टम डिवाइस करें आप जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिक सिंबल होते हों।
ठीक है, हम जब शुरू शुरू हमें बाइनरी नंबर पढ़ाया गया प्राइमरी स्कूल में, या पता नहीं जब जब भी पढ़ाया गया, तो अलजबरा से वैसे ही खफा रहते थे हम। हमने कहा यार ये एक और पता नहीं क्या चीज़ बना दी है। तो मैं अक्सर ये सोचता था कि यार क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी होगी कि इन्होंने ऐसी वाहियात चीज़ जो है वो बनाई है, हमें मुश्किल में डाल दिया। सोचते हो ना कि अरे क्यों बना दिया, सही तो 10 तक चल रही थी गिनती, 2 क्यों बनाया? तो 2 इसलिए बनाया और हमें हमें ही ज़रूरत थी, हमें ही प्रॉब्लम थी, तो हम ही नहीं उनको टास्क दिया था कि भाई ये बनाओ। तो आज अगर हम उनसे खफा हों तो मेक सेंस नहीं है ये, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस के वो बात हमें पता ना चल जाए कि हमने उसको क्यों बोला था। तो मैथमेटिशियंस को हम लोगों ने ही टास्क दिया था, कंप्यूटर साइंटिस्ट ने या इलेक्ट्रॉनिक वाले बंदों ने, कि भाई एक ऐसा नंबर सिस्टम बनाओ जिसमें 2 यूनिक सिंबल होते हो। अच्छा, अब ऐसा नंबर सिस्टम जो बन गया, उन्होंने डिवाइस कर दिया, उसको हम समझते हैं कि वो क्या नंबर सिस्टम था, कैसे उन्होंने डिवाइस किया। एक तो मोटा मोटा आपको मिल गया एक आइडिया कि यार वो यूनिक सिंबल ही कम कर दिए। तो नमाज़ पढ़ के आ जाए, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं यहीं से। लिया था कि हमारे पास सेमीकंडक्टर्स आ चुके हैं और उसमें हम 0 या 1 एक वक्त में स्टोर कर भी पा रहे हैं, और फिर मैथमेटिशियंस ने हमने उनको टास्क दिया कि आप एक ऐसा नंबर सिस्टम डिज़ाइन करें जिससे जिसमें 2 यूनिक सिंबल हो, या कुछ ऐसा तरीका हो जो समझ में आ जाए, 0 1 के अंदर अंदर काम हो जाए। अच्छा, तो पहले तो मैं वो पहले तो मैं आपके सामने ना एक बाइनरी नंबर लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तो हमें पता ही है बाइनरी नंबर होता कैसा है दिखने में। मैंने कहा कि भाई 00100011, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, थोड़ा साइज में बड़ा कर देते हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि बाइनरी में ये क्या लिखा हुआ है बगैर गूगल किए, फिंगर टिप्स पे कैलकुलेट करके? कितने लोग ऐसे हैं जो बता सकते हैं? मुझे नहीं पता क्या है, मैं भी कैलकुलेट करूंगा, मैंने ऐसे लिख दिया रैंडमली। अच्छा, कितने लोग आप में से ऐसे हैं कि जो जिनको नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या लिखा हुआ है? आपको बिल्कुल भी बिल्कुल भी जिनको आइडिया नहीं कि यार ये क्या मतलब बकवास। अच्छा, मैं ये गारंटी कर रहा हूँ कि अभी 5 मिनट के बाद ये नंबर आप फिंगर टिप पे कैलकुलेट करके बताएंगे, ठीक है, और ना सिर्फ ये नंबर बताएंगे, मैं एक दूसरा नंबर लिखूंगा बाइनरी में, वो भी आप कैलकुलेट करके बताएंगे फिंगर टिप्स पे। अच्छा, तो पहले तो मैं ये बना लेता हूँ ज़रा। अच्छा, ये 8 बिस्किट मेरे पास है जो मेरे बेडरूम में लगी हुई है, सही है। अच्छा, इस वक्त सारी 0 है, तो मैंने ऐसे किया कि भाई एक को 1 कर दिया कि भाई मेरे पास पेट्रोल रिजर्व में है या नहीं है, इस तरह करके कुछ सेटिंग की हुई थी मैंने। अच्छा, तो अब मैथमेटिशियंस ने आके क्या बोला? मैथमेटिशियंस ने बोला कि भाई ये जो आप करते हो ना, इस वाले का आप क्या नाम रख दो, इस वाले की वैल्यू रख दो 1, छोटा छोटा लिख रहा है हमेशा। अच्छा,
उन्होंने बोला इसकी जो वैल्यू है ना वो रख दो आप 1। अच्छा इसके बाद वाली जो है उसकी वैल्यू क्या रख दो? 2 रख दो। फिर इसके बाद वाला जो है उसकी वैल्यू रख दो? 4 रख दो। इसके बाद वाले की रख दो 8, और इसके बाद वाले की क्या रख दो? 16। सो नाउ इट इज़ वेरी क्लियर के दो दो बस ऐड होते जा रहे हैं इसमें। 32 और 128। अच्छा फिर उन्होंने बोला भाई कि अब सिंपल हो गया, ऐसे वैल्यूज डिसाइड हो गई, जो वन है उसको क्या कर लो, जो जो ऑन है, क्यों ये ऑन ऑफ है ना असल में, ये बिट्स हमारी ऑन ऑफ है, जो ऑन है उसको कैलकुलेशन में ऐड कर लो, जो ऑन नहीं है उसको छोड़ दो। तो मैंने क्या बोला कि यार एक बाइनरी और लिख रहा हूँ मैं, असल में एक बाइनरी में और लिख रहा हूँ, एक बाइनरी मैंने ये और लिख दी, सही है। अब ये मैंने एक बाइनरी लिख दी, अब इसमें क्या होगा कि जो जो ऑन है ना उसको मैं कैलकुलेशन में ऐड कर लूंगा, जो ऑन नहीं है उसको मैं छोड़ दूंगा। तो सबसे पहला वाला बिस्किट जो है वो ऑन है, तो 1 मैंने ले लिया प्लस कर लिया, उसके बाद 4 जो था जिसकी वैल्यू वो ऑन था, तो मैंने 1 पहले से था 4 ले लिया प्लस, फिर 8 1 4 और 8 कितने हो गए, 5 और 13 हो गए, ठीक है 8 और 5 13। अच्छा फिर उसके बाद ये तो ऑफ है इसको छोड़ दो, उसके बाद 32 13 और 32 मुझे नहीं पता है, मैं थोड़ा वीक हूँ मैथ में, सही है तुम लोग इतने तेज हो, 4 और प्लस 1 4 8 32 1 4 8 32, तो ये बन रहे हैं टोटल 45, ठीक है। तो ये जो लिखी हुई है ना बाइनरी में बात, ये क्या लिखी हुई है? 45। आसान है, मुश्किल तो नहीं है, सही है, बिल्कुल आसान है। अच्छा अब बताओ ये वाला इसी स्केल पे रखोगे, सबसे पहला क्या है? 0, तो इसको छोड़ देंगे हम। सेकंड वाला ऑन है, तो इसका इसका क्या है वैल्यू? इसकी वैल्यू 2 है, तो मैं ज़रा कैलकुलेटर भी खोल लेता हूँ। कैलकुलेटर खोल लेता हूँ साथ साथ। तो सबसे पहले वाला ऑफ है, दूसरा वाला ऑफ था, तो दूसरे वाले की वैल्यू 2 वो ले लिया प्लस, इसके बाद वाला 4 प्लस, और उसके बाद 8 ऑफ है, 16 ऑफ है, 32 ऑन है, तो 32 38, सही है। 30 कितने लोग 38 कह रहे थे शुरू में? आप सही कह रहे थे। अच्छा क्लियर हो गया, बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया। अच्छा मैं अपना इस बाइनरी नंबर को कर देता हूँ चेंज। अच्छा ये अभी बताता हूँ, अभी ये इस आते हैं इसकी तरफ। अच्छा मैं इसको अब चेंज कर देता हूँ, ये मैंने नंबर चेंज कर दिया। अच्छा अब इसको कैलकुलेट करो क्या है ये, सेवेंटी सेवन है। अच्छा मुझे भी नहीं पता, मैं भी कैलकुलेट करूँगा इसको, सही है। मैंने क्लियर किया सब कुछ, सबसे पहला 1 है ये ऑन था, मैंने 1 कर दिया प्लस, फिर 2 जो है वो ऑफ है इसको छोड़ देंगे, 4 को प्लस कर लेंगे, 4 प्लस, उसके बाद 8 भी ऑन है प्लस, और उसके बाद 8 के बाद 16 और 32 ऑफ है, 64 ऑन है तो 64 को भी ले लेंगे, 64 77 हो गया, सही है। दोबारा समझा दो। अच्छा किस में कौन सा वाला पॉइंट समझ नहीं आया आपको? अच्छा ये असल में अभी हम कर रही हैं कि मैथमेटिशियंस ने एक नंबर सिस्टम डिवाइस किया है ये, ठीक है, कि भाई 0 1 में कुछ भी लिखोगे तो वो हमें पता होगा कि वो क्या है।
अच्छा तो अब हम थोड़ा इसको अपोजिट में करते हैं तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा अब मुझे जो बेडरूम में मेरे लगे हुए थे ना आर्ट बिस्किट, उसमें मुझे एक नंबर सेव करवाना है 9090 एक नंबर सेव कराना है मुझे। 90 से कुछ दूसरी यादें ताज़ा हो गई लग रहा है। अच्छा तो 90 मुझे नंबर सेव करवाना है, अब मैं कैसे करवाऊँगा? तो मैं ये देखूँगा, मेरे पास आर्ट बिस्किट लगी हुई है ना मेरे बेडरूम में, मैं ये देखूँगा कि या तो मुझे 90 मिल जाए इसमें इटसेल्फ, या 90 से कम वाला कोई नंबर मिल जाए। तो कौन सा कम नंबर है इसमें? 64 जो है वो है 90 से कम, तो मैं इसको ऑन कर दूँगा। ये मैं अभी अपने बेडरूम में 90 लिखने जा रहा हूँ, किसमें? बाइनरी में। अच्छा और 64, अब बचा कितना, पीछे कितना बचा? कैलकुलेटर बंद कर दिया। अच्छा 64 तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, बाकी कितना बचा कर लेता हूँ मैं, मेरी मैथ थोड़ी कमज़ोर है आप लोगों से तो मुझे कैलकुलेटर से थोड़ा करना पड़ता है। 26 बचा। अब इस स्केल पे मैं आगे चलूँगा, इसमें या तो मुझे वो नंबर मिल जाए 26 जो बचा हुआ है, या तो उससे कम मिल जाए कोई। अच्छा तो 32 तो ऑब्वियसली नहीं है, इसको मैं ऑफ कर दूंगा। 16 है, 26 से छोटा जो है 16 है, तो मैं क्या करूँगा 16 को ऑन कर दूंगा। ठीक है तो मैंने 64 और 16 को ऑन कर दिया। अच्छा अब ये 16 भी मैंने डाल दिया उसमें, अब 26 में से माइनस कर देता हूँ मैं 16, अब बचा है 10। अच्छा 10 का मतलब है कि मुझे 10 या तो मिल जाए उससे नीचे, 8 है मेरे पास तो 8 को ऑन कर दिया मैंने। उसके बाद 4 को ऑन करना है? नहीं करूँगा मैं, 4 को मैं कर दूँगा ऑफ, सही है, 2 को कर दूँगा ऑन, और फिर बचा ही नहीं नंबर तो इसको मैं 0 कर दूँगा। तो ये अब मैंने बाइनरी में क्या लिख दिया, 90 लिख दिया। अच्छा इसको जब मैं दोबारा कैलकुलेट करूँगा तो ये 90 ही आना चाहिए। जैसे देखो अब दोबारा कैसे कैलकुलेट करूँगा मैं, 2 है, सबको क्लियर कर दिया, 2 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 64, सही है 90 आ गया। तो ये हमने इस बिस्किट में नंबर अपनी मर्जी का नंबर स्टोर करना सीख लिया कि अब आपको 90 स्टोर करना है अगर अपने बेडरूम में लगे हुए जो ऑन ऑफ वाले बिस्किट है उसमें, तो ये ऐसे करेंगे हम। अच्छा कोई एक नंबर और बताते हैं, मिसाल के तौर पे मुझे नंबर स्टोर करना है 124 मुझे एक नंबर स्टोर करना है। अच्छा तो 124 से या तो मुझे 124 इटसेल्फ मुझे मिल जाए या तो उससे छोटा मिल जाए, तो कौन है 124 से छोटा नंबर? 64 है, तो ये चलो पहले से ऑन है। अच्छा तो मैंने बोला 124 में से मैंने 64 मैंने स्केल पे डाल दिया तो बचा 60 पीछे। अब या तो मुझे 60 मिल जाए या तो 60 से छोटा मिल जाए, तो 32 मौजूद है, 32 को भी मैंने ऑन कर दिया। ठीक है 32 को ऑन कर दिया, तो 60 था 32 डाल दिया उसमें मैंने, मैंने बोला 60 में से अब मैं माइनस कर चुका हूँ 32, अब बचा है 28 से छोटा कौन है अभी? 16 ही है, तो 16 भी ऑन है, सही है। 28 में से अब मैं कितना माइनस कर दूंगा 16, अब बचा 12, तो 12 से छोटा 8 है। ठीक है 8 निकाल दिया तो बाकी पीछे बचा 4, तो ये 4 है। यहाँ पे आके मेरा नंबर पूरा हो गया तो आगे वाले सारे अब 0 होंगे। तो ये मैंने क्या स्टोर करवा दिया 124 बाइनरी में क्या होगा 0 1 1 1 1 1 पाँच दफ़ा और 0 और 0, दिस इज़ 124। इसको मैं वापस कैलकुलेट करूँगा तो 124 ही आएगा। तो अभी मैथमेटिशियंस ने ये तरीका डिवाइस किया है कि भाई गिनती का कोई भी नंबर आप इन 0 1 वाली बिस्किट में अगर स्टोर करवाना है तो यह तरीका आपके पास आ चुका है। सब लोगों को समझ आ गया ये तरीका? अब सब लोग अपनी मर्जी का कोई भी नंबर इसमें स्टोर करवा सकते हैं, ये है बाइनरी। अभी यहाँ पे जदीद कंप्यूटर की ये एक और बुनियाद पड़ गई है। ठीक है ये बुनियाद अभी इस पर एक ब्लॉक और लग गया, फिर ऐसे ब्लॉक लगते लगते पूरी बिल्डिंग बनेगी, पूरा जदीद कंप्यूटर इस वक्त जो हम चला रहे हैं वो बनेगा। अच्छा अब मुझे कौन ये सोच के बताएगा आप में से कि इसमें मैक्सिमम मैं कितना बड़ा नंबर स्टोर करवा सकता हूँ?
ये अभी दोस्त ने सवाल भी पूछा था कि सर ये हमेशा कि 8 PC रहेंगे 0 से लेके 128 तक, तो अब इस पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ, तो इसमें मैं मैक्सिमम कितना बड़ा नंबर स्टोर करवा सकता हूँ इन 8 बिस्किट्स में जो मैंने अपने बेडरूम में सजाई हुई है? 255। कैसे? मैक्सिमम यही पॉसिबिलिटी है कि सबको मैं 1 कर दूँ, सही है, कोई भी 0 ना छोड़ूँ, मैं सबको कैलकुलेशन में ले लूँ, सबको 1 कर दूँ, तो सबको 1 करने की सूरत में क्या आएगा, 0 से लेके 255 तक का मैं नंबर इसमें स्टोर करवा सकता हूँ, सही है, कोई भी। अच्छा मिनिमम कितना नंबर स्टोर करवा सकता हूँ छोटा? मिनिमम ये पॉसिबिलिटी है सबको 0 कर दूँ, सबको 0 कर दूँगा तो क्या बनेगा, 0, ठीक है, तो मिनिमम 0, मैक्सिमम 255, ये इसमें नंबर स्टोर हो रहा है। अब मिसाल के तौर पर मुझे 255 से बड़ा नंबर स्टोर करवाना है, अगर एक बाइट और ले लूंगा मैं, अच्छा अब तो जो मैं इतनी देर से ना जिस चीज को मैं कह रहा हूँ ना, बिस्किट है ये बिट है, BIT बिट, सही है, ये क्या चीज है, ये एक अदद बिट है, ठीक है, और ये पूरा 8 बिट को मिला के ना ये बनेगा 1 बाइट, सही है, तो बिट और बाइट हमने असल में पढ़ाई है। क्या हुआ, कोई टेंशन है क्या? नहीं, ये 1 बाइट है, ये सामने जो आपके लिखा हुआ है ना 0 से लेके 255 तक 1 बाइट है ये। अच्छा इसका हाफ भी होता है, उसको बोलते हैं निबल है, लेकिन वो अभी मैटर नहीं करता, वो बहुत पुरानी बात हो गई है, अब हाफ को कंसिडर नहीं करते, वो पूरे को ही करते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है आपके सामने ये 1 बाइट है ये। अब मुझे इससे बड़ा नंबर अगर स्टोर करवाना है ना इसमें, तो मैं नीचे 1 बाइट इसके, अच्छा नीचे तो नहीं, मैं इसके आगे लगाऊंगा इधर, लेकिन आगे मेरी स्क्रीन पर जगह नहीं, तो मैं नीचे लेकर आ जाता हूँ इसको। सही है, मैंने इसके नीचे 1 बाइट और ले ली। अब इसकी वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, 128 तक तो हो चुका था, अब यहाँ पे 256 से शुरू होगी। अच्छा 256, उसके बाद 512, उसके बाद 1024, सही है, उसके बाद 2046, 2048 है, अच्छा उसके बाद 96, 4096, सही बताया, उसके बाद 8192, बड़ी सही है तुम लोगों की कैलकुलेशन, उसके बाद 16384, 16384, बिल्कुल सही है भाई, और अब 32768, अच्छा भाई तो ये हो चुका है हमारा 2 बाइट। अब कौन मुझे ये सोच के बताएगा कि अगर इन सारे 2 बाइट को मैं सबको 1 कर दूं तो कितना बड़ा नंबर स्टोर हो जाएगा इसमें? ये बस 32 इसको डबल कर दो ना, मुश्किल कैसे हो गया भाई, यहाँ पे 128 था ना आखिर में, तो ये 255 तक जाता था, अगला 256 था, हैं 65535, बिल्कुल सही बताया यार, सही है, तो 2 बाइट के अंदर मैं मैक्सिमम नंबर कितना स्टोर कर सकता हूँ, 65535 तक स्टोर कर सकता हूँ। 1 बाइट में था 255, दूसरे बाइट आते ही 65000 पे चला गया, तीसरे बाइट पे कहाँ चला जाएगा और चौथे बाइट पे कहाँ चला जाएगा, 4 बाइट में कोई इमेजिन कर सकता है कि कहाँ तक चला जाएगा ये नंबर, कोई ऐसे तुक्का 15 नंबर की हो जाएगी, दो लाख तक चला जाएगा। अच्छा ये कोई 2 बिलियन तक चला जाता है काइंड ऑफ, मुझे भी एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है, लेकिन 2 बिलियन तक ये चला जाता है 4 बाइट में, सही है, और जावास्क्रिप्ट का जो नंबर वेरिएबल है वो कितने बाइट लेता है, वो लेता है 8 बाइट, सही है, 4 बाइट में 2 बिलियन तक चला जाता है,
लेकिन वो लेता है 8 बाइट, तो वो कोई 15 डिजिट या 16 डिजिट तक का नंबर स्टोर हो सकता है जावास्क्रिप्ट के नंबर वेरिएबल में, सही है। तो अब हम यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड करके आ जाते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो जावास्क्रिप्ट का जो नंबर वेरिएबल है वो अभी हम गूगल पे लिखेंगे ना जाके, तो वो हमें बता देगा साइज ऑफ जावास्क्रिप्ट नंबर वेरिएबल। हाँ बिट्स में हम लिखते हैं ना, वेल अभी मुझे मिल नहीं रहा फॉरन, लेकिन 64 बिट का फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है ये, ठीक है। 64 बिट जो है वो 8 बाइट, बिट बोल लो बाइट बोल लो, यानी मतलब जैसे होता है ना ग्राम और किलो होता है ऐसे, तो ग्राम आप बोल लो कि भाई 4000 ग्राम है या 4 किलो बोल लो, तो 8 बाइट या 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर उसमें स्टोर होता है। अच्छा अब जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया था कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये थोड़ी सी रियलिटी पे बेस नहीं है, थोड़ी सी ये फिक्शनल है, फिक्शनल नहीं बोलूँगा इसको मैं, ये बहुत आउट ऑफ डेट है। ये मैं उस वक्त की बाइनरी बता रहा हूँ जब बाइनरी पहली दफ़ा बनी थी, आज की बाइनरी इससे काफ़ी मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर इसके अंदर क्या मैं माइनस वाला नंबर सेव करवा सकता हूँ, सबको ज़ीरो कर दूंगा तो ज़ीरो हुआ ना, माइनस के नंबर भी तो करवा सकते हैं सेव वेरिएबल में, तो माइनस के नंबर भी सेव हो जाते हैं, तो इसमें वो कैसे होगा, हमने अभी ये हम डिस्कस नहीं कर रहे कि इसमें माइनस का नंबर कैसे स्टोर होगा, ठीक है। जाहिर है अब ये इस पॉइंट तक तो चलो नंबर तो सेव होना शुरू हो गए, लेकिन बाद में लोग बैठ तो नहीं गए, साइंटिस्ट हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठे, मजीद देखा इसको, अच्छा फिर इसमें पॉइंट वाले नंबर कैसे स्टोर होंगे, है ना सवाल है ना। अच्छा तो ये सवाल आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ कि बाइनरी के अंदर या वेरिएबल के अंदर जब आप पॉइंट वाला नंबर स्टोर करवाते हैं तो वो मेमोरी में कैसे जाके स्टोर होता है, या माइनस वाला नंबर जब सेव करवाते हैं तो वो मेमोरी में कैसे जाके स्टोर होता है, ठीक है। जैसा कि मैंने जिक्र किया है कि जावास्क्रिप्ट का जो वेरिएबल है वो 64 बिट का फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है। फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल का मतलब होता है कि ऐसा वेरिएबल जिसमें पॉइंट वाले नंबर भी स्टोर करवाए जा सकें, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल कहते हैं उसको। तो फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल मेमोरी में कैसे जाके सेव होता है ये आप सब लोगों को घर जाके गूगल करना है, यूट्यूब पे छान मारना है कि वो कैसे सेव होता है। जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इतना जो मैंने बता दिया फिलहाल के लिए तो इनफ है, लेकिन जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको ये जाके घर जाके सर्च करना है, ठीक है। और माइनस वाले नंबर दो चीज़ें, ये नेक्स्ट क्लास में हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे कि भाई आपने क्या सीखा, क्या एक्सप्लोर किया और आपके ख्याल में कैसे होते हैं स्टोर, ठीक है। ये आपसे मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग का सेशन होगा हमारा इंशाल्लाह। अच्छा तो ये हमने देख लिया, यहाँ तक भाई नंबर के मसले तो हल हो गए, नंबर के सारे मसले हल हो गए, पॉइंट वाले और माइनस वाले हम फिलहाल देख नहीं रहे, वो आप देखेंगे घर जाके। अब मुझे कौन ये सोच के बताएगा कि मुझे अपना नाम भी तो लिखवाना है अपने बेडरूम, नहीं मतलब क्या कुछ, वैसे तो उन्होंने डिवाइस कर दिया एक फॉर्मूला जो अभी चल रहा है, लेकिन अभी चूंकि हम कंप्यूटर को अपनी आंखों के सामने बनता हुआ देख रहे हैं तो जी आप कुछ कहना चाहते हैं, आस्की कोड, आस्की कोड क्या सही बता रहे बोलो। अच्छा नहीं वो अमेरिकन स्टैंडर्ड तो हम हैं ना, वो लोग जो अभी हम बनाने वाले हैं वो तो हम बनाने वाले हैं, हर अल्फ़ाबेट को एक नंबर असाइन कर रहे हैं, ठीक है। दो लोगों ने ये सेम बात की है कि असल में हर अल्फ़ाबेट को मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास एक पॉसिबल ऑप्शन है ये कि मैं क्या करूँ भाई, 01 में तो नंबर तो सेव हो जाता है, अब मैं हर अल्फ़ाबेट को एक नंबर असाइन कर दूँ। और मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि कैपिटल लेटर का जो ए है उसको मैं नंबर असाइन कर देता हूँ 65, ठीक है, फिर बी को 66, फिर सी को 67, ऐसे करके,
ठीक है, फिर स्मॉल लेटर को मैं दे देता हूँ 97, स्मॉल लेटर का जो ए है उसको 97, फिर 98, 99 और 122 तक मैंने वो पूरे स्मॉल लेटर वाली लिखती गिनती। फिर स्पेस को मैं एक दे दूँ नंबर 32 मैंने दे दिया, ठीक है, रैंडमली ऐसे ही देता जा रहा हूँ नंबर। तो अल्टीमेटली मेरे पास एक ऐसा चार्ट तैयार हो जाएगा कि हर अल्फाबेट का एक नंबर होगा। अच्छा, तो साइंटिस्ट ने यही किया, एग्जैक्टली इसी तरह का एक चार्ट बनाया, दैट वॉज कॉल्ड ASCII कोड। ठीक है, ये पहला कैरेक्टर सेट था जो डिवाइस किया था साइंटिस्ट ने कि भाई अगर बाइनरी में नंबर सेव कराते हो तो अभी आपको टेक्स्ट भी सेव कराना है, स्ट्रिंग भी सेव कराना है या अल्फाबेट सेव कराना है, तो ये चार्ट ले लो, नंबर ही सेव होगा, पीछे ABCD नहीं होगी, पीछे नंबर ही होगा, लेकिन आप जब उसको रीड करोगे तो आप उस चार्ट पर से देख लेना कि ये कौन सा लेटर है। अच्छा, तो देखते हैं वो चार्ट, ज़रा एक नज़र मारते हैं उस पर क्या रिपोर्ट है उसकी। ASCII चार्ट, ठीक है, ये मैंने गूगल पे लिखा जाके ASCII का चार्ट। ये देख रहे हैं आप, ये ASCII का पूरा चार्ट है। अच्छा, इसमें ना देखें ये सारे लिखे हुए स्पेशल कैरेक्टर, शुरू ये हुआ है स्पेशल कैरेक्टर से, फिर उसके बाद ये डॉलर साइन परसेंट ब्रैकेट ओपन 0 से लेके 9 तक भी इसमें मौजूद, क्योंकि टेक्स्ट में बीच में नंबर भी होता है ना, टेक्स्ट में भी आता है नंबर, एक तो नंबर वाला नंबर है, टेक्स्ट वाला नंबर भी होता है, वो भी 0 से लेके 9 तक है, फिर ग्रेटर देन लेस देन, फिर कैपिटल लेटर का ए जो शुरू हुआ है वो कहाँ पे शुरू हुआ है, 65 पे जाके शुरू हुआ है, और ये कहाँ तक गया है, ये 90 तक ये जेड है कैपिटल लेटर वाला। अच्छा, उसके बाद फिर स्मॉल लेटर का जो ए है वो कहाँ से शुरू हुआ है, 97 से शुरू हुआ है, और 98, 99 से होता हुआ ये 122 पे जाके ख़त्म हो गया। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट वगैरह, पाइप साइन, डिलीट, हाइफन, जो जो मोस्टली यूज्ड कैरेक्टर्स थे उस ज़माने के, वो सारे इसके अंदर इन्होंने ऐड करवा दिए। अच्छा, अब ज़रा एक चीज़ पे गौर करते हैं, मैक्सिमम इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, 0 से लेके 127 तक, सॉरी 0 का मतलब है नल। अच्छा, तो इसमें टोटल 128 कैरेक्टर हैं, 0 से लेके 127 तो 128 हो गए, तो इसका मतलब ये है कि एक कैरेक्टर की जगह पे क्या होगा, 0 से लेके 128 के दरमियान का कोई नंबर होगा, 128 तक के दरमियान का कोई नंबर होगा, तो एक कैरेक्टर को सेव कराने के लिए मुझे कितनी मेमोरी चाहिए, एक बाइट में हो जाएगा। अच्छा, मेमोरी बाय द वे जब हम एलोकेट होती है ना तो वो बाइट के हिसाब से होती है, बिट के हिसाब से नहीं होती, ठीक है, यानी मिनिमम जो आपको मिलेगी ना वो 1 byte मिलता है, तो बावजूद इसके कि 127 जो है वो पूरा एक बाइट नहीं लेगा, कुछ बचेगा एक दो लास्ट वाला, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम तो उसमें 255 तक आ जाता है ना नंबर, 127 तो उसका आधा है, तो पूरा बाइट ये लेगा नहीं, लेकिन हमें पूरा ही बाइट देगा, कंप्यूटर हमें पूरा बाइट देगा, वो बाइट के हिसाब से चलता है, यानी समझो होलसेल चल रहा है, वो कहेगा यार पूरा पैकेट मिलेगा आपको, एक बिस्किट नहीं मिलेगी, सही है, वैसे तो केबिन में जाते हो तो वहाँ से एक बिस्किट भी दे देते हैं आपको, लेकिन होलसेल की दुकान में कहते हैं पूरा पैकेट देंगे भैया, खोलेंगे नहीं इसको, तो कंप्यूटर आपको पूरा पैकेट देता है, तो 127 तक है। तो हमने क्या देखा कि एक कैरेक्टर अगर ASCII कोड में, जो कि सबसे पहला कैरेक्टर सेट था, उसमें अगर मैं स्टोर करूँगा तो वो एक बाइट ले लेगा, यानी इतनी जगह उसको चाहिए होगी। तो अब मैंने अगर अपना नाम सेव करवाना है मलिक MALIK, तो 5 इसमें कैरेक्टर्स हैं, कितने बाइट मुझे चाहिए, 5 byte मुझे चाहिए, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्ट जो मैंने सजाया हुआ है ना अपने ड्राइंग रूम में, उस आर्ट बिस्किट में या एक बाइट में मेरा नाम नहीं आएगा, एक बाइट में सिर्फ एक कैरेक्टर आ सकता है इस अप्रोच के मुताबिक, ठीक है, एक कैरेक्टर आएगा सर, तो मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे 5 byte चाहिए होंगे, 5 वैसे सेट चाहिए होंगे, जो मैंने एक लगाया हुआ ना ऐसा 5 चाहिए होगा, फिर जाके उसमें मेरा पूरा नाम आएगा MALIK, ठीक है, तो ये समझ आ गया। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पे एक मसला है, हमने ASCII कोड भी ना कौन सा पढ़ा है, ASCII कोड जो हमने देखा है वो कौन सा, सबसे पहला जो बना था, बाइनरी नंबर जिस तरह के मैंने जिक्र किया कि अभी जो मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये आउट ऑफ डेट हो चुका है, मतलब बेसिक तो यही है जाहिर है, लेकिन इसमें इतनी चीज़ें ऐड हो गई हैं कि मतलब ये आउट ऑफ डेट है इस वक्त जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ।
इसी तरीके से ASCII जो है ना वो भी अब यूज़ नहीं होता। अब यूज़ इसलिए नहीं होता, क्यों नहीं होता भाई, क्योंकि उसका अपडेटेड वर्जन आ गया है, उसमें चीज़ें ऐड हो गई हैं बहुत सारी। तो क्या ऐड हो गया भाई, हमें जब प्रोग्रामिंग करते हैं हम वेरिएबल में, अच्छा प्रोग्रामिंग की बात नहीं है, जैसे अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो उसमें जो हम लिख रहे होते हैं वो असल में वेरिएबल में सेव हो रहा होता है वक्ती तौर पे उस वक्त के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो हम अरबी भी टाइप करते हैं, हम उर्दू भी टाइप करते हैं, चाइनीज़ भी करते हैं, फ्रेंच भी करते हैं। अब ASCII कोड में अगर मैं स्टोर करवा रहा हूँ उसमें तो सिर्फ इंग्लिश के कैरेक्टर हैं और वो भी पूरे नहीं है, वो भी पूरे नहीं है, 127 थोड़ी होते हैं इसमें, तो बहुत सारे होते हैं। अंग्रेजी में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे सिंबल्स हैं जो उसमें नहीं है। अब क्या करें, तो अब क्या हुआ, उसी चार्ट को लेकर उसमें मज़ीद ऐड किया गया चीज़ों को जो मिसिंग थी उसमें, जैसे कि 200 मुख्तलिफ ज़बानों के मुख्तलिफ कैरेक्टर्स वो मिसिंग थे उसके अंदर, तो वो ऐड करके मुख्तलिफ मज़ीद कैरेक्टर सेट्स बना दिए गए, जिसमें सबसे फेमस कैरेक्टर सेट अभी जो है वो कौन सा है, यूनिकोड 2.0, मतलब यूनिकोड को भी अपडेट किया गया। यूनिकोड बना था उसके बाद उसका भी 1.0 2.0 ऐसे चल रहा है, ठीक है। अच्छा एक और कैरेक्टर सेट है UTF-8 UTF-16 UTF-32, ये कैरेक्टर सेट्स हैं सारे। UTF आपने अक्सर जगह लिखा हुआ देखा होगा, समझ में नहीं आता होगा क्या लिखा हुआ है, तो वो कैरेक्टर सेट है। आप जब VS कोड में जब आप काम करते हैं ना, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं UTF-8 के इस कोड एडिटर में जो आप ये बात लिखते हैं ना यहाँ पे, ये किस में सेव करता है हार्ड ड्राइव के अंदर, UTF-8 में करता है। इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, अच्छा बाय डिफॉल्ट एक ही है इसमें, अलग से मुझे करना है तो एक्सटेंशन से करना पड़ेगा। वेल तो UTF-8 है, अच्छा तो UTF-8 का मतलब क्या है कि एक कैरेक्टर इसका 8 बिट लेता है। UTF-8 का मतलब ये है, यानी काइंड ऑफ ASCII के जैसा ही है, लेकिन जाहिर है ASCII में 127 थे, इसमें 255 तक होंगे मोस्ट प्रॉब्ली, सही है। तो इसके अंदर अभी मैं कोई दूसरा कैरेक्टर नहीं लिख सकता। अच्छा फिर UTF-16 जो है उसमें मैक्सिमम कितने कैरेक्टर होंगे, 65,000, क्योंकि 16 बिट उन्होंने नाम में ही मेंशन किया हुआ है कि 16 बिट लेगा एक कैरेक्टर, तो 65,000 कैरेक्टर होंगे। लेकिन UTF-16 में लिखा हुआ जो टेक्स्ट होगा उसमें एक कैरेक्टर कितने बाइट लेगा, 2 बाइट लेगा, क्योंकि कैरेक्टर ज़्यादा है ना उसमें। एक कैरेक्टर की जगह पे क्या आएगा, 0 से लेके 65,000 के दरमियान का कोई नंबर आएगा एक कैरेक्टर में, क्योंकि कैरेक्टर ज़्यादा है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट जो यूज़ करता है कैरेक्टर सेट बाय डिफ़ॉल्ट, वो कौन सा यूज़ करता है, UTF-16, ठीक है UTF-16। अच्छा यूनिकोड जो है बाय द वे, यूनिकोड में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो उसको उसका गुजारा 2 बाइट में नहीं होगा, वो लेता है 4 बाइट एक कैरेक्टर, ठीक है। तो यूनिकोड 2.0 जो है उसमें अगर कोई कैरेक्टर लिखा हुआ है, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो उसके एक कैरेक्टर की जगह पे क्या होगा, 0 से लेके 2 बिलियन तक का कोई एक नंबर होगा। तो इसलिए उसको 4 बाइट चाहिए एक कैरेक्टर को स्टोर करवाने के लिए। लेकिन उसका बेनिफिट क्या है, उसमें इमोजी भी है, उसमें दुनिया की कोई ऐसी जुबान नहीं है जिसका कोई कैरेक्टर उसमें मौजूद ना हो। यूनिकोड 2.0 सबसे बड़ा कैरेक्टर सेट है इस वक्त तक का अभी तक, ठीक है। जितने भी ये व्हाट्सएप वगैरह मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है ये सारे क्या यूज़ करते हैं, यूनिकोड 2.0 इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सारे कैरेक्टर इसके अंदर होते हैं। अच्छा तो हमने क्या देखा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर चूँकि UTF-16 इस्तेमाल होता है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेट माई नेम इक्वल्स टू मलिक, तो ये कितने बाइट ले चुका है मेमोरी में, ये पूरा एक कैरेक्टर 2 बाइट ले रहा है ना, 16 बिट ले रहा है, तो 5 कैरेक्टर ने कितना लिया, 10 लिया, तो ये 10 बाइट ले रहा है मेमोरी में। अच्छा जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया था कि जो मैं बात बता रहा हूँ ये कम्प्लीटली फैक्ट पे बेस नहीं करती है, तो ये एग्जैक्टली 10 बाइट नहीं ले रहा, उससे थोड़ा ज़्यादा ले रहा है, क्योंकि वो आपको एग्जैक्टली समझने के लिए ना V8 इंजन जो है गूगल क्रोम का, उसको स्टडी करना पड़ेगा कि V8 इंजन थोड़ा ज़्यादा लेता है, जितना स्टोर करता है ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेता है। वो क्यों लेता है वो अभी एक लंबी कहानी है, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन बेसिक बात मैंने आपको समझा दी, ठीक है। तो ये फैक्ट नहीं है कि ये 10 बाइट ले रहा है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इसको रिक्वायर्ड 10 बाइट ही है। V8 इंजन थोड़ा सा ज़्यादा लेता है, वो अपनी कुछ चीज़ें स्टोर करवाता है इसमें,
ठीक है। इसी तरह ये जो नंबर का वेरिएबल है ये भी एग्जैक्टली 64 बिट नहीं लेता, थोड़े से ज़्यादा या कम लेता है। अब वो एग्जैक्टली क्या बात है वो आपको V8 इंजन की स्पेसिफिकेशन में देखना पड़ेगा। अच्छा, कौन मुझे ये सोच के बताएगा बूलियन मेमोरी में कितनी जगह ले लो? 1 बाइट। कैसे? एक बाइट या एक बिट? मतलब एक बिस्किट या 8 बिस्किट? अच्छा, वैसे इसको रिक्वायर्ड ना एक ही बिस्किट है, सिर्फ एक बिस्किट, ठीक है? क्योंकि ट्रू या फॉल्स है ना, दो ही तो पॉसिबिलिटी है, ऑन या ऑफ, ट्रू या फॉल्स, 0 या 1, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अभी एक दोस्त ने मुझसे पूछा था ब्रेक में कि सर जब ये नंबर और टेक्स्ट दोनों है तो ये बूलियन को बनाया ही क्यों इन द फर्स्ट प्लेस? तो उसका ये जवाब है कि बूलियन जो है वो सबसे कम मेमोरी कंजम्पशन वाला डेटा टाइप है हमारा, ठीक है? अच्छा, तो असूलन इसको एक बिट की ज़रूरत है, सिर्फ एक बिस्किट की। लेकिन जैसा कि दोस्त ने जिक्र किया कि भाई कंप्यूटर में तो मिलता है पूरा बाइट, पूरा बाइट मिलता है, तो ये पूरे बाइट से भी ज़्यादा लेता है। वो V8 का जो इंजन है ना, उसकी स्पेसिफिकेशन का कोई चक्कर है, वो एक बाइट से भी थोड़ा ज़्यादा ही लेता है ये। लेकिन असूलन इसको रिक्वायर्ड कितना है? एक बिट रिक्वायर्ड है। जब यही चीज़ उठ के डेटाबेस में जाएगी ना, तो फिर वहाँ पे एक बिट लगी है, ज़ाहिर है अल्टीमेटली तो ये डेटा डेटाबेस में जाएगा, वेरिएबल में तो थोड़ी देर के लिए ना, अल्टीमेटली तो डेटाबेस, तो डेटाबेस में ये ट्रू और फॉल्स जो है वो क्या लेगा? एक बिट लेगा, एक बिस्किट लेगा, क्योंकि डेटाबेस में वो कैरेक्टर्स को काउंट कर रहा होगा। तो कैरेक्टर में इसमें हमें तो दिख रहा है ट्रू फॉल्स, लेकिन एक्सेल में सेव होगा 0-1 ही होगा असल में, ठीक है? तो इसके बिहाइंड द सीन ट्रू फॉल्स के पीछे 0-1 है। तो हमने ये तीनों डेटा टाइप जो अभी तक पढ़ा था, हमने अभी ये अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया कि बिहाइंड द सीन ये रैम में किस तरह से स्टोर होता है, उसकी बेसिक थ्योरी पढ़ ली है। ज़ाहिर है वो फैक्ट पे बेस नहीं था, वो मैंने आपको बता भी दिया कि क्यों नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा वो चीज़ है वो मैंने, हमने बिल्कुल पहला वर्जन पढ़ा है, बिल्कुल पहला वर्जन बना था। अभी का बाइनरी उससे बहुत अप टू डेट है, अभी का कैरेक्टर सेट उसमें बहुत ज़्यादा कैरेक्टर है, 127 नहीं है, बहुत ज़्यादा कैरेक्टर है, ठीक है? तो ये हमने यहाँ तक टॉपिक ये वाला कंप्लीट कर लिया। इससे मुतल्लिक किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछ लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या पढ़ेंगे भला? अब हम पढ़ेंगे ये प्लस प्लस और माइनस माइनस वाले ऑपरेटर। तो जितनी मैंने बात बताई इससे मुतल्लिक, अगर कोई सवाल है आपका तो वो पूछ सकते हैं, यहाँ इससे मुतल्लिक कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं। हाँ, बूलियन हमारे क्या काम आता है, ये बड़ा अच्छा सवाल किया उन्होंने। जैसे देखो, इज ओपन है ना, तो इसका जवाब क्या है? ट्रू या फॉल्स। बहुत सारी जगह में फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है कि भाई इज मैरिड, ठीक है? तो उसमें यस और नो का चेकबॉक्स होता है, तो असल में पीछे उसमें ट्रू फॉल्स आप रख सकते हैं। अगर इसी की जगह में इज मैरिड अगर मेरे पास है, मार्शल स्टेटस यही होता है ना, मैरिटल स्टेटस नहीं लिखते उसको, मैरिटल है, लेकिन इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है मार्शल स्टेटस, सही है, मार्शल स्टेटस बोलता है। अब यहाँ पे अगर मैं ये बोलूँगा ना कि मैरिड, तो ये मेमोरी में कितनी जगह ले रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कैरेक्टर हैं इसके अंदर, तो 14 बाइट ले ली। ऑन अदर एंड अगर मैं इसको ट्रू फॉल्स पे रखूँगा तो काफ़ी कम स्टोरेज में मेरा काम हो जाएगा, ठीक है? तो अल्टीमेटली हमें स्पेस को बचाना होता है, बावजूद इसके कि हमारे पास रैम बहुत बड़े बड़े साइज़ में रैम मौजूद है, लेकिन अल्टीमेटली हमें मेमोरी को बचाना होता है। वो इसलिए बचाना होता है कि एक कंप्यूटर के अंदर सिर्फ आपका प्रोग्राम तो नहीं चल रहा ना। देखो मेरे पास अभी पीछे क्या क्या खुला हुआ है, XD खुला हुआ है, एडोब VS कोड खुला हुआ है, गूगल क्रोम है, कैलकुलेटर भी चल रहा है साथ साथ, और जब मैं एक्चुअल में काम कर रहा होता हूँ तो बहुत कुछ खुला हुआ होता है। अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ मिनिमम चीज़ें खोलूँ स्क्रीन पर ताकि ध्यान ना बटे, ठीक है, टू दी पॉइंट रहे, फोकस अच्छे से रहे, तो इसलिए मैं मिनिमम चीज़ें भी खोल के बैठा हूँ। जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो फिर वो टैब भी बहुत सारे खुल जाते हैं गूगल क्रोम के, हैं? हाँ, तो अल्टीमेटली आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे है तो 8 GB का रैम अवेलेबल है, लेकिन मैं पूरी रैम तो नहीं यूज़ कर सकता ना, तो मुझे स्पेस को बचाना होता है, ठीक है?
ठीक है, तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि स्पेस का बेजा इस्तेमाल ना करें, अदरवाइज क्या होगा कि आपकी ऐप होगी छोटी सी लेकिन रैम फुल कर देगी जैसे ही खुलेगी रैम ऊपर, ठीक है। जैसे गूगल क्रोम के मुतालिक बड़ा अभी कुछ दिनों से ये हो रहा है कि यार गूगल क्रोम ना रैम बहुत यूज़ करता है ना, तो उन्होंने इन सब चीज़ों का ख्याल रखा है, उसके बावजूद रैम ज़्यादा यूज़ हो रही है। अगर वो इस चीज़ों का ख्याल नहीं रखते तो फिर वही चलता है, फिर गूगल क्रोम, या तो गूगल क्रोम चलता है एक वक्त में या तो फोटोशॉप चलता है, दोनों एक साथ तो नहीं चल सकते, ठीक है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखने के बावजूद जो है उस मेमोरी के इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसको कंट्रोल करना पड़ता है, तो इस वजह से हमारे पास बूलियन भी मौजूद है ताकि आसानी से डेटा सेव हो जाए कम स्टोरेज के अंदर। और किसी का कोई सवाल इसके अंदर है तो प्लीज़ पूछ लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नंबर जो है जावास्क्रिप्ट का जो नंबर है वो लेता है 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट, सही है, 64 बिट है ये, और फ्लोटिंग पॉइंट का नंबर है, इसमें पॉइंट वाले नंबर भी सेव हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, स्ट्रिंग जो है वो क्या लेता है, 2 बाइट पर कैरेक्टर, ठीक है, और बिकॉज ऑफ UTF-16 कैरेक्टर सेट, सही है, बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट का जो है ना वो UTF-16 कैरेक्टर सेट होता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि UTF-16 ही आप यूज़ करें, आप लाइब्रेरीज़ के थ्रू और ऐसे तरीके मौजूद हैं जावास्क्रिप्ट में कि अगर आपको कभी UTF-16 से दिल भर जाए या यूनिकोड आपको चलाना पड़े तो आप वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जावास्क्रिप्ट में UTF-16 और यही चलेगी, लाइब्रेरीज़ के थ्रू आप कोई भी दूसरा कैरेक्टर सेट अटैच कर सकते हैं इसके साथ, वो हम कवर नहीं करेंगे इस कोर्स में लेकिन कर सकते हैं, उसकी ज़रूरत बाई दफ़े पड़ी नहीं मुझे आज तक, 10 साल के एक्सपीरियंस में मुझे आज तक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं कैरेक्टर सेट चेंज करूँ, लेकिन कर सकते हैं अगर आप चाहें। अच्छा, ये जो लेता है ये लेता है 1 बिट, ठीक है, ये 1 बिट इसको थियोरेटिकली लेना चाहिए लेकिन V8 की स्पेसिफिकेशन बताती है हमें कि ये 1 बिट नहीं लेता, थोड़ा ज़्यादा लेता है उससे। तो ये हमारी थ्योरी जो है ना यहाँ पे कंप्लीट हुई। अच्छा, होपफुली अब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी एक वेरिएबल के बारे में और कंप्यूटर इनफैक्ट चल कैसे रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद आती है पिक्चर्स, फ़ोटोज़, एक तो नंबर है, एक टेक्स्ट है, एक फ़ोटोज़ है, तो फ़ोटोज़ कैसे स्टोर होती हैं, फ़ोटो के अंदर पिक्सल्स होते हैं, हर पिक्सल एक नंबर है, ठीक है, हर पिक्सल के अंदर 3 नंबर्स होते हैं ना, RGB जो एक पिक्सल होता है वो 3 कलर का हो सकता है, या तो रेड होगा, ब्लू या ग्रीन होगा, या उसका कोई वेरिएशन होगा, तो हर पिक्सल के पीछे 3 नंबर्स होते हैं। तो अगर 100 पिक्सल बाई 100 पिक्सल की मेरी इमेज है तो टोटल कितने नंबर हुए, 100 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हुआ, 1000 हुआ, और हर पिक्सल के पीछे 3-3 नंबर हैं तो टोटल कितने हुए, 3000 टोटल नंबर हैं। तो एक 100 पिक्सल बाई 100 पिक्सल की जो इमेज है वो किसके बराबर साइज लेगी मेमोरी में, दोबारा रिपीट करता हूँ, देखो एक तो ना नंबर था, एक था टेक्स्ट और एक है इमेज। इमेज के बारे में मैंने ये जिक्र किया है कि जो इमेज होती है ना उसका एक पिक्सल जो होता है उसके पीछे 3 नंबर्स होते हैं, सही है, एक होता है रेड, एक होता है ब्लू और एक होता है ग्रीन, एक पिक्सल के 3 नंबर्स होते हैं उसके पीछे, ठीक है। रेड जो होता है वो 0 से लेकर 255 तक का कोई एक नंबर होगा, यानी कितना लिया इसने, 0 से 255 का मतलब 1 बाइट, दूसरा जो ब्लू है वो भी इतना ही 1 बाइट और ये भी 1 बाइट, तो एक पिक्सल 3 बाइट लेता है, एक पिक्सल कितने लेता है, 3 बाइट लेता है मेमोरी के अंदर। तो 100 पिक्सल बाई 100 पिक्सल की अगर ये इमेज है तो उसको कितने बाइट लेने चाहिए, सही है, पहले तो 100 बाई 100 देखेंगे ना पिक्सल टोटल कितने बने, तो 10,000 मुझे नहीं पता, ये कह रहे हैं 10,000 तो मान लेते हैं इनकी बात, ठीक है, 100 बाई 100 का मतलब है 10,000, तो 10,000 टोटल पिक्सल है और एक पिक्सल 3 बाइट लेता है तो मतलब 30,000 बाइट है। 30,000 बाइट को बोलेंगे कैसे, 30,000 बाइट को बोलेंगे कैसे, बोलने में कैसे बोलेंगे, अच्छा जब बाइट 1000 से ऊपर निकल जाता है ना बोलते हैं किलो बाइट है, ठीक है, तो 3000 बाइट को कैसे बोलेंगे, 3 KB बोलेंगे। तो 100 पिक्सल बाई 100 पिक्सल की जो इमेज है ना वो थियोरेटिकली 3 KB की होनी चाहिए, थोड़ी ज़्यादा होती है लेकिन क्योंकि वो उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें हैं कुछ,
तो 3 KB से थोड़ी ज़्यादा होती है, 4 KB की होती है, इस तरह कुछ होता है। तो 100 पिक्सल बाई 100 पिक्सल की जो एक इमेज होगी वो 3 बाइट की और 3 KB की होनी चाहिए मिनिमम, उससे कम पॉसिबल ही नहीं है, उससे कम थ्योरी में भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, हमारे पास जो कैमरे इस वक्त मौजूद है वो 12 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल का मतलब क्या है? मेगा किसको कहते हैं? मिलियन को कहते हैं शायद, या बिलियन को। एक होता है किलो, एक होता है मेगा, एक होता है गीगा। तो 12 मेगापिक्सल का मतलब जो भी होता है 12, तो 12 मेगापिक्सल का मतलब होता है वो सर्टेन नंबर ऑफ पिक्सल बता रहा होता है कि भाई इतने पिक्सल हैं। अभी हम यहाँ लिख देते हैं ना 12 मेगापिक्सल, वो हमें साइज बता देगा, 12 मेगापिक्सल साइज, तो वो ना हमें एक्स एक्स करके बता देगा। ये होता है 12 मेगापिक्सल का साइज ना, 3456 मल्टीप्लाई बाई 3, मतलब वो ऐसे हॉरिजॉन्टल इतने पिक्सल होते हैं, वर्टिकल इतने होते हैं। तो इन दोनों को ज़रा हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई बाई और दूसरा वाला ये, तो टोटल इतने पिक्सल बनते हैं। अब इतने पिक्सल को मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, हर पिक्सल कितने बाइट का है? मिनिमम 3 बाइट का, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, तो टोटल इतने बाइट आ गए। अब इस बाइट को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, बाइट टू MB, ठीक है। तो 23 MB की बननी चाहिए, 12 मेगापिक्सल की जो पिक्चर है वो थियोरेटिकली 23 MB की बननी चाहिए, लेकिन आमतौर पर वो 23 MB की नहीं होती, 2-4 MB की होती है, क्योंकि उसको वो कॉम्प्रेस कर देते हैं, बाद में खींचते 12 पिक्सल में, उसको बाद में कॉम्प्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो अगर रॉ फॉर्मेट में आप खींचेंगे, जैसे जो अभी एप्पल के जो नए वाले फ़ोन हैं उनमें रॉ का एक फॉर्मेट होता है, तो रॉ फॉर्मेट में अगर आप खींचेंगे ना, तो पूरे 23 MB की होती है पिक्चर, वो बल्कि थोड़ी और ज़्यादा की, 24-25 MB की होती है, ठीक है। 12 मेगापिक्सल उन्होंने कैमरा रखा हुआ है अपने पास। या आप किसी अगर प्रोफेशनल कैमरे से अगर खींचेंगे और आप रॉ फॉर्मेट में खींचेंगे, तो आपको पूरे 23 MB की वो पूरी पिक्चर मिलती है, ठीक है। बाकी ये JPG वगैरह जो, ये कॉम्प्रेस फॉर्मेट होते हैं, ये कॉम्प्रेस हो जाता है, वो उसको प्रोसेस करके ना बकायदा। अब उसकी क्या टेक्निक से कैसे कॉम्प्रेस करते हैं वो एक अलग डिस्कशन है। तो हमने यहाँ पे नंबर समझ लिया, टेक्स्ट समझ लिया, और थोड़ा सा इमेज को भी डिस्कस कर लिया, जो मैं करना नहीं था लेकिन बात निकल आई तो कर लिया। अच्छा, तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम आगे चलते हैं किसकी तरफ, ये जो हमारे ऑपरेटर्स हैं ना ये वाले, इनकी तरफ चलते हैं।